आतंकवाद विरोधी संगठन ने किया योद्धाओं का सम्मान। सादर काजी अकबर अली पटेल ने ग्राम चंद्रावतीगंज में SGM SGOP सहित थाना प्रभारी सचिव पाठक का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी इमाम तंजीम के बैनर तले अपना पद अधिकारियों के साथ गुलदस्ता एवं कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। काजी अकबर अली पटेल ने बताया कि लॉकडाउन के शुरू दिन से ही SGM रविश श्रीवास्तव के नेतृत्व में SGOP मानसिंह परमार और थाना प्रभारी सचिव पाठक की सराहनीय भूमिका रही। ग्राम चंद्रावतीगंज में लॉकडाउन के बीच रमजान और ईद पर यहाँ के लोगों से सीधे जनसंवाद किया, जिससे कि लोगों में कोरोना जैसी महामारी में जागरूकता आई। SGM रविश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे लिए बड़ी चुनौती है इस लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां किसान मजदूर को अपनी जान जोखिम में डालकर अपना और अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। उनको मेरे पूरी टीम ने समय समय पर मदद करके लॉकडाउन का पालन करवाया। साथ ही SGOP मानसिंह परमार ने बताया कि हमारे लिए सावेर के लोग परिवार जैसे हैं, इनका पूरा ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। साथ ही चंद्रावतीगंज की थाना प्रभारी सचिव पाठक की भी भूमिका सराहनीय रही। पूरा थाना और तहसील सामर तहसील चली है, तो किस तरह से आपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखा है? और कहीं ना कहीं उज्जैन में हमारे दो योद्धा शहीद भी हुए हैं, लेकिन यहाँ से आज तक कोई इस तरीके की खबर नहीं आई कि यहाँ पर किसी को कोई संक्रमण आया हो, जबकि दूसरे शहरों में पुलिस विभाग में हर तरीके से संक्रमण फैला है। इंदौर में आप जानते हैं कि इंदौर जैसे प्रदेश में सबसे पहले इंदौर ही अलर्ट मोड में आया था और इंदौर से ही चीज़ें स्टार्टिंग में शुरू में जो इंदौर की तरफ से मूवमेंट हो रहा था वो काफ़ी जल्दी हम लोग को पता चलता था और उसको रोका भी। धीरे धीरे लोगों को अलर्ट किया, जैसा आप लोगों ने बताया कि ऑडियो मैसेज के माध्यम से हम लोग भेजते थे तो गांव के लोगों ने सुना, मंदिर से मस्जिद से उन्हीं ऑडियो मैसेज को अनाउंसमेंट करवाया, तो काफ़ी लोग उसके बारे में अवेयर हुए, जागरूक हुए। सर, आज चंद्रावती गंज के मुस्लिम समाज ने आपका कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया है, तो लॉकडाउन के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से रही हैं? ये जब से वैश्विक महामारी कोरोना ने जब से हमारे देश में प्रवेश किया है और इसने बड़े रूप में लोगों को परेशान किया है तथा कई लोगों की मौत भी हुई है। DNA 24/7 न्यूज के लिए इरफान अंसारी की रिपोर्ट।